गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ्स में हम रिविज़न वर्क कर रहे हैं और आज आप करेंगे ये वर्कशीट। इसमें आप फ्रैक्शन देख रहे हैं, फ्रैक्शन लिखे हुए हैं और इन फ्रैक्शन के लिए एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आप यूज़ करेंगे ये सिंबल्स। कौन सा? ये सिंबल या फिर ये सिंबल, इन तीनों में से आपको ये एक सिंबल यूज़ करेंगे। सो पहले तो हम ये देख लेते कि क्या ये दोनों ये जो फ्रैक्शन लिखे हुए हैं ये अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। तो ये अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में ही है, फर्स्ट में हम देख रहे हैं। तो अब या तो इस वाले सिंबल का तो यूज़ होगा नहीं अब इसमें, क्योंकि अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में ही है, तो या तो इसमें ये यूज़ होगा या फिर ये वाला। यानी कि इसमें जैसे हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना सीखा था, सबसे पहले आप फ्रैक्शन में चेक करेंगे कि कौन सा बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब अगर ये फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते, मान लीजिए 1/5 और एक होता 2/5, इसके डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको आप पहचानना कि इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा इजी होता। जब डिनोमिनेटर सेम है, ये देख रहे हैं डिनोमिनेटर इसके सेम है, इसका मतलब 5 पार्ट में से 1 पार्ट लिया हुआ है इस फ्रैक्शन में, और इस वाले फ्रैक्शन में 5 पार्ट में से 2 पार्ट लिया हुआ है। तो कौन सा बड़ा हुआ? ये वाला 2/5 वाला। तो इस तरीके से अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो पहचानना ईजी होता है। लेकिन अभी डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, आप देख रहे हैं इसके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, 1/5 और 3/8। तो सबसे पहले तो आप इसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर आप सेम कैसे करेंगे? आप इनका लेंगे एलसीएम, डिनोमिनेटर्स का, यानी कि 5 और 8 का आप लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा इसका? 40। और उसके बाद जैसा फ्रैक्शन के हम प्लस और माइनस करते हैं वही हम प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो अब एलसीएम को फर्स्ट वाला फ्रैक्शन हम लेंगे पहले, और फर्स्ट वाले फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है उससे हम डिवाइड करेंगे 40 को, यानी कि एलसीएम को। तो क्या आ जाएगा? डिवाइड करने पे आ जाएगा 8। अब 8 से 8 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर के साथ, यानी कि 1 के साथ, 8 × 1 = 8। उसके बाद यही प्रोसेस आप करेंगे सेकेंड फ्रैक्शन के साथ। तो आप 40 को आप डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 × 5 = 40, यानी कि 5। अब 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, यानी कि न्यूमिनेटर से, तो 5 × 3 = 15। तो अब ये क्या हो गया? अब ऊपर क्या है? अब अलग अलग हम लिख लेते हैं 8/40 और 15/40। तो कौन सा बड़ा हो गया? 15/40। 15/40 कौन से फ्रैक्शन को प्रेजेंट कर रहा है? 3/8 को, यानी कि 3/8 बड़ा है 1/5 से। तो यानी कि आप इसमें कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे? ये वाला। सो इसी तरीके से आप ये सारे सॉल्व करेंगे और इसमें जो भी राइट सिंबल है वो लगाएंगे। गुड लक।